नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, आज समय है चिंतामणि भाग एक में संकलित आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध श्रद्धा भक्ति पढ़ने का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र, क्योंकि निबंध की विषय वस्तु थोड़ी सी जटिल है तो हमें समय लग सकता है। कोशिश हमारी रहेगी कि बहुत से सरल शब्दों में आप तक ये विषय वस्तु पहुंचा सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, कुछ एक महत्वपूर्ण तथ्य जो हमें जान लेने चाहिए इस निबंध को पढ़ने से पहले। शुक्ल जी के जीवन परिचय पर विस्तार से हम बात नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि उत्साह निबंध और कविता क्या है निबंध के दौरान हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन परिचय कृति परिचय पर विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम केवल और केवल श्रद्धा और भक्ति और उससे जुड़े हुए तथ्यों पर ही बात करेंगे। तो कुछ एक महत्वपूर्ण तथ्य, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है ये कथन, शुक्ल जी ने लिखा, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंध में ही सबसे अधिक संभव है। इसका अर्थ क्या है? पहली बात तो ये कि ये कथन मैंने क्यों लिया है, इसलिए क्योंकि इस कथन पर आधारित प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं कि यह कथन किसका है या किसने निबंध को गद्य की कसौटी माना या गद्य को कवियों की कसौटी माना है। इस तरह के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी। कसौटी का मतलब क्या होता है? कसौटी का मतलब होता है किसी भी वस्तु की गुणवत्ता, उसके अंदर जो उपयोगिता है, उसके अंदर जो गुण है, जो सामर्थ्य है, उसकी परख करना, वो कसौटी कहलाती है। तो शुक्ल जी कहते हैं कि जो कवि गद्य अच्छा लिख सकते हैं, इसका मतलब है कि गद्य क्योंकि कवियों की कसौटी है तो उनकी कवि प्रतिभा पर कोई संदेह करने की गुंजाइश ही नहीं रहती, क्योंकि वे निर्विवाद श्रेष्ठ कवि हैं। कवि और लेखक यहां दोनों को आप स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि प्रारंभ में काव्य, क्योंकि जितना भी साहित्य है वो काव्यात्मक लिखा जाता था, इसलिए ज्यादातर इस तरह के शब्दों का प्रयोग मिलता है। दूसरी बात वो कह रहे हैं तो निबंध गद्य की कसौटी, कि यदि किसी कवि में कवि प्रतिभा है तो उसकी जांच उसके गद्य लेखन से की जा सकती है, परख गद्य लेखन से की जा सकती है। इसी तरह से यदि कोई लेखक गद्य का श्रेष्ठ लेखक है या नहीं, इसकी कसौटी, इसकी जांच की जा सकती है उसके निबंध लेखन से। तो ये बात यहां पर स्पष्ट की गई है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि भाषा की में जितनी भी सामर्थ्य होती है भावों को, विविध और विस्तृत भावों को, गहन से गहन भावों को अभिव्यक्त करने की, वो सबसे अधिक निबंध में ही उभर कर सामने आती है। तो ये कथन आप कंठस्थ कर लेंगे, अर्थ आप समझ ही चुके हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। चिंतामणि भाग एक में संकलित है श्रद्धा भक्ति निबंध, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि प्रारंभ में जब चिंतामणि भाग एक नामकरण बाद में किया शुक्ल जी ने, पहले ये निबंध संकलन विचार वीथि के नाम से प्रकाशित हुआ, ये भी प्रश्न आता है, आप ध्यान रखेंगे। चिंतामणि भाग एक का प्रकाशन 1939 में हुआ, ये एक और तथ्य है जो आपको जान लेना चाहिए। साहित्य, शुक्ल जी का सबसे पहला निबंध क्या है? साहित्य शुक्ल जी का सबसे पहला निबंध है और ये 1904 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। आगे चलते हैं। अब श्रद्धा और भक्ति से संबंधित कुछ मुख्य बिंदुओं पर बात करते हैं, यानी निबंध की विषय वस्तु पर बात करते हैं। श्रद्धा भक्ति निबंध चिंतामणि भाग एक में संकलित है, प्रश्न पूछा जाता है, और ये किस प्रकार का निबंध है ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो मनोविकार संबंधी निबंध है। दोस्तों, हमारे पाठ्यक्रम में उत्साह, श्रद्धा भक्ति, लोभ और प्रीति, ये तीनों ही निबंध जो संकलित हैं सेकंड ग्रेड के पाठ्यक्रम में, वो सभी के सभी मनोविकार संबंधी निबंध है। तो इस पर कोई संदेह आपको रखना ही नहीं है। प्रमुखतः सूत्र व्याख्या और व्याख्या सूत्र शैलियों का प्रयोग किया गया है। सूत्र व्याख्या शैली एक बार फिर से समझा देती हूँ। जब लेखक निबंध में अपनी गहन विषय वस्तु को अभिव्यक्त करने के उद्देश्य से सूत्र में एक वाक्य कहता है, जैसे उदाहरण के तौर पर परोपकार ही सज्जनों की शोभा है, ये एक सूत्र वाक्य हो गया, और इसकी व्याख्या करता है तो पहले सूत्र बाद में व्याख्या, इसका मतलब सूत्र व्याख्या शैली। लेकिन पहले पूरा परोपकार सज्जनों की शोभा है, इसकी व्याख्या प्रस्तुत करता है, और पैराग्राफ के अंत में वो सूत्र वाक्य देता है कि परोपकार ही सज्जनों की शोभा है। तो ये हो गई व्याख्या सूत्र शैली, क्योंकि व्याख्या पहले की गई और सूत्र वाक्य बाद में आया। तो इस तरह की शैलियों का प्रमुख रूप से शुक्ल जी के निबंधों में प्रयोग देखने को मिलता है। प्रेम, श्रद्धा, भक्ति, दया, कृतज्ञता आदि मनोविकारों का सूक्ष्म विवेचन किया गया है।
अब ये जो दोस्तों श्रद्धा भक्ति निबंध है, इसमें क्या श्रद्धा और भक्ति तो प्रमुख विषय है ही, ये मनोविकार तो विस्तृत रूप से विवेचित किए ही गए हैं, लेकिन इसके साथ ही प्रेम, दया, कृतज्ञता, ये मनोविकार भी विश्लेषित किए गए हैं और इनका विश्लेषण श्रद्धा और भक्ति के संदर्भ में ही किया गया है। तो ये श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, दया, कृतज्ञता, ये पांच मनोविकार इस निबंध में चर्चित हुए हैं, विश्लेषित हुए हैं। आगे चलते हैं। किसी व्यक्ति के महत्व की आनंदपूर्ण स्वीकृति के साथ साथ पूज्य बुद्धि का संचार श्रद्धा है, यानी श्रद्धा की परिभाषा देते हुए शुक्ल जी ने लिखा है कि जब किसी भी व्यक्ति के पास बहुत अधिक कोई भी एक गुण बहुत अधिक विकसित है या उसकी कोई भी प्रतिभा है जिसके कारण समाज में वो अपना प्रभाव छोड़ता है, लोगों के हृदय पर अपना प्रभाव छोड़ता है, तो जब कोई सामने वाला व्यक्ति या समाज का कोई भी व्यक्ति जो उसका रिश्तेदार नहीं है, उसका सगा संबंधी नहीं है, लेकिन उसके उस गुण से प्रभावित होकर उसके महत्व को स्वीकार करता है, पहली बात प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता है, आनंद पूर्ण स्वीकृति किसकी, उस व्यक्ति के उस गुण की प्रसन्नता से स्वीकृति देता है। दूसरी बात, पूज्य बुद्धि का संचार होता है और स्वीकृति देने के साथ साथ ही उसके मन में पूज्य बुद्धि उस व्यक्ति के साथ, व्यक्ति के प्रति अभिव्यक्त होती है। तो जहां आनंद पूर्ण स्वीकृति और पूज्य बुद्धि यानी कि सम्मान का भाव, ये दोनों मिल जाते हैं, उसके बाद जो मनोविकार, जो भाव उत्पन्न होता है, उसे श्रद्धा कहते हैं। प्रश्न विषय वस्तु पर आधारित इससे संबंधित होंगे तो आप इसे अच्छी तरह से समझ लेंगे, यानी दो चीजों से मिलकर बनता है श्रद्धा नामक मनोविकार, आनंद महत्व की आनंद पूर्ण स्वीकृति और पूज्य बुद्धि का संचार। अगला बिंदु, दूसरे के महत्व को स्वीकार करना श्रद्धा का मूल तत्व है। प्रश्न यदि पूछा जाए कि शुक्ल जी के अनुसार श्रद्धा का मूल तत्व क्या है, तो दूसरे के महत्व को स्वीकार करना, क्योंकि जब तक हम दूसरे के किसी गुण से प्रभावित होकर उसके महत्व को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हम उसके प्रति श्रद्धा भाव से युक्त होंगे ही नहीं। तो सबसे पहली आवश्यकता श्रद्धा भाव के लिए है कि दूसरे के महत्व को स्वीकार करना, और महत्व किसका, व्यक्ति के व्यक्तित्व का महत्व, उसके गुणों का महत्व। जब किसी के प्रति पूज्य भाव की वृद्धि के साथ साथ उसके निकट रहने तथा उसके व्यक्तित्व को विभिन्न रूपों में देखने की लालसा उत्पन्न होती है, तब भक्ति का जन्म होता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि श्रद्धा भाव उत्पन्न हो गया, यानी हमने आनंद पूर्ण स्वीकृति कर ली महत्व की। दूसरी बात, पूज्य बुद्धि का संचार हो गया, लेकिन इसमें एक और बात जुड़ गई। कौन सी बात जुड़ गई, कि हम चाहते हैं कि जिसके प्रति हमारे मन में आनंद पूर्ण स्वीकृति उत्पन्न हुई है, पूज्य बुद्धि का संचार हुआ है, हम उसके हमेशा साथ रहें और उसका जिस व्यक्तित्व के पक्ष से हम प्रभावित हुए हैं, उस व्यक्तित्व को बहुत पास से अलग अलग रूपों में देखने की जब इच्छा उत्पन्न हो, तो समझना चाहिए कि श्रद्धा विकसित होकर भक्ति का रूप धारण कर चुकी है। यानी श्रद्धा भक्ति की तुलना में एक सीमित मनोविकार है और भक्ति उससे भी अधिक विस्तृत मनोविकार है। आप स्पष्ट एक बार फिर से दोहरा देती हूं, जब किसी के महत्व की आनंद पूर्ण स्वीकृति हो और पूज्य बुद्धि का संचार हो, तो श्रद्धा का जन्म होता है। लेकिन उसमें जब हमेशा उस व्यक्ति के साथ निकट रहने की इच्छा हो, उसे विविध रूपों में उसके व्यक्तित्व को देखने की लालसा उत्पन्न हो, तो वह श्रद्धा बदल कर विकसित होकर भक्ति का रूप धारण कर लेती है। किसी व्यक्ति का अच्छा लगना ही प्रेम है। देखिए, भक्ति श्रद्धा हो गई, भक्ति हो गई, अब एक प्रेम को और यहां ले लिया गया है कि प्रेम में इतना विस्तार नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमने किसी व्यक्ति को देखा और वो हमें अच्छा लगा, तो हमारे अंदर प्रेम भाव उत्पन्न हो गया। यानी प्रेम सबसे सीमित क्षेत्र वाला भाव है, उससे विस्तृत क्षेत्र वाला है श्रद्धा, और उससे भी विस्तृत क्षेत्र वाला भाव है भक्ति। क्रमशः मनोविकार विकसित होते हैं, ऐसा शुक्ल जी मानते हैं। तो किसी व्यक्ति का अच्छा लगना ही प्रेम है। आगे चलते हैं। अब प्रेम और श्रद्धा को का जो अंतर है, उसको बहुत विस्तार से बताया है शुक्ल जी ने, और यहाँ जो सूत्र वाक्य प्रयुक्त किए गए हैं दोस्तों, उस पर बहुत बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अच्छी तरह से समझ लेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आप बहुत सहज रूप में इस बात को हृदयंगम कर पाएंगे, धारण कर पाएंगे। पहली बात, प्रेम व्यक्तिगत होता है, श्रद्धा सामाजिक होती है। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति से हम प्रेम करते हैं, वो हमारे निजी अनुभव पर आधारित होता है। किसी और के अनुभव पर आपसे प्रभावित होकर हम किसी व्यक्ति से प्रेम नहीं करते, बल्कि श्रद्धा अवश्य कर सकते हैं। यानी श्रद्धा हमारे अपने अनुभव से भी विकसित होती है
और किसी दूसरे से किसी के गुण के विषय में हमें पता चल जाए, उसके महान व्यक्तित्व के विषय में हमें पता चलता है, तो हम प्रभावित होकर श्रद्धा भाव से भर उठते हैं। यानी श्रद्धा उत्पन्न करने में समाज का भी योगदान होता है, लेकिन प्रेम को उत्पन्न करने में केवल और केवल व्यक्ति का स्वयं का व्यक्तित्व ही आधार होता है। तो पहला अंतर यह हुआ, प्रेम व्यक्तिगत होता है और श्रद्धा सामाजिक। दूसरा है, प्रेम स्वाधीन कार्यों पर ज्यादा निर्भर नहीं, जबकि श्रद्धा स्वाधीन कार्यों पर ही निर्भर होती है। यानी जो कार्य अपने नियंत्रण में होते हैं उन पर आधारित होती है श्रद्धा, क्योंकि हम जिस व्यक्ति को देखते हैं, जिससे प्रभावित होते हैं, उसी के गुणों के आधार पर हम अपने अंदर मनोविकार धारण, अपने अंदर मनोविकार अनुभव करते हैं, यानी श्रद्धा मनोविकार को अनुभव करते हैं। लेकिन प्रेम, हम जिससे प्रेम करते हैं, जिसके प्रति हमारे मन में प्रेम का भाव उत्पन्न हुआ है, उसी के कर्मों पर आधारित होती है, या हमारे स्वयं के कर्मों पर आधारित होती है प्रेम की भावना। तो प्रेम स्वाधीन कार्यों पर ज्यादा निर्भर होता है और श्रद्धा प्रेम स्वाधीन कार्यों पर निर्भर नहीं होता, श्रद्धा स्वाधीन कार्यों पर ही निर्भर होती है। प्रेम का कारण अज्ञात है, हम किसी भी व्यक्ति को देखकर वो हमें अच्छा लगता है, इसके कारण के पीछे नहीं दौड़ते, उसका विश्लेषण नहीं करते, क्योंकि हमें कई बार पता ही नहीं होता कि हम इस व्यक्ति के प्रति आखिर इतने आकर्षित क्यों हैं, हमारे मन में उसके प्रति इतना प्रेम क्यों जाग रहा है। तो प्रेम का जो कारण है वो अज्ञात होता है, लेकिन श्रद्धा का कारण ज्ञात होता है। यानी श्रद्धा किन गुणों से प्रभावित होकर मनुष्य के हृदय में उत्पन्न होती है वो मनुष्य अच्छी तरह से जानता है। मान लीजिए कोई बहुत अच्छा चित्रकार है, तो उसकी चित्र बनाने की जो अद्भुत अनुपम योग्यता है, उसके कारण हम उसके प्रति श्रद्धा भाव से भर उठते हैं, लेकिन चित्रकार के प्रति प्रेम का भाव विरला ही उत्पन्न होता है। ये भाव जो उत्पन्न होता है वो ज्ञात होता है और श्रद्धा मनोविकार के रूप में हमारे सामने आता है, हमारे हृदय में जन्म लेता है। यानी प्रेम का कारण हमको पता नहीं होता और श्रद्धा का कारण हमें पता होता है। प्रेम एकांतिक होता है और श्रद्धा विस्तृत होती है। प्रेम एकांतिक होता है, इसका मतलब है कि हम जिससे प्रेम करते हैं, जो भी हमारा प्रिय है, उसके साथ हम एकांत क्षण बिताना चाहते हैं। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि जब हम अपने प्रिय के निकट हो तो कोई भी व्यक्ति हमारे बीच में आए और हमारे उस एकांत क्षण में बाधा उत्पन्न करे। इसलिए प्रेम एकांतिक होता है, लेकिन श्रद्धा का भाव जब हमारे हृदय में उत्पन्न होता है दोस्तों, तो हम चाहते हैं कि जिस व्यक्ति के इन गुणों से, अद्भुत अनुपम गुणों से प्रभावित होकर हमारे मन में श्रद्धा का भाव उत्पन्न हुआ है, उसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और अधिक से अधिक लोग उस व्यक्ति के प्रति श्रद्धा का भाव रखें। लेकिन जिससे हम प्रेम करते हैं, हम बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई और व्यक्ति भी उससे प्रेम करे। तो ये फर्क है, प्रेम एकांतिक होता है और श्रद्धा विस्तृत होती है। और इसी का विकसित रूप है कि प्रेम व्यक्तिगत है और श्रद्धा सामाजिक। प्रेम स्वप्न है और श्रद्धा जागृत। ये जो सूत्र है, वाक्य है, उसको अच्छी तरह समझ लेंगे। इस पर कई बार प्रश्न आता है और इस एकांतिक और विस्तृत पर भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। प्रेम स्वप्न है, स्वप्न क्या होता है? स्वप्न आप सभी जानते हैं कि जब हम सपना देखते हैं तो हमें आसपास की दुनिया का कुछ भी होश नहीं रहता, हम उस स्वप्न में ही डूबे रहते हैं। इसी तरह से जब हम किसी व्यक्ति से सच्चा प्रेम करते हैं तो हम अपने आसपास के परिवेश के प्रति जागरूक होते ही नहीं, लेकिन जब हमारे मन में श्रद्धा का भाव होता है तो हम परिवेश के प्रति जागरूक होते हैं। हम देखते हैं कि जिस व्यक्ति के प्रति हम श्रद्धा भाव रख रहे हैं, क्या दूसरे कोई व्यक्ति भी उसके प्रति श्रद्धालु है, या उसका श्रद्धा का विस्तार हो रहा है या नहीं हो रहा है। यानी हम समाज की सारी गतिविधियों के प्रति जागरूक होते हैं। यही कारण है कि शुक्ल जी ने प्रेम को स्वप्न और श्रद्धा को जागरण बताया है। प्रेम में दृष्टि प्रिय से होकर उसके कर्मों तक जाती है और श्रद्धा में दृष्टि कर्मों से प्रिय श्रद्धेय तक आती है। यानी प्रेम में हम किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखते हैं और उससे प्रभावित होकर उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं और प्रेम भाव हमारे हृदय में उत्पन्न हो जाता है और उस अपने प्रिय व्यक्ति के कर्मों पर हमारा ध्यान जाता ही नहीं। लेकिन दूसरी ओर जिस व्यक्ति से हम श्रद्धा करते हैं, हम उसके रूप सौंदर्य और उसकी वेशभूषा, उन सब चीजों से बिल्कुल बेपरवाह रहते हैं। हम उसके कर्मों के कारण उसके कर्मों को अपने हृदय में आनंदपूर्ण स्वीकृति देते हैं और उसके प्रति श्रद्धा भाव से भर उठते हैं। और जब श्रद्धा भाव उत्पन्न हो जाता है
तो व्यक्ति के कर्मों से फिर हम उसके व्यक्तित्व तक पहुंचते हैं। यानी जो क्रम प्रेम में होता है कि पहले हम व्यक्ति से जुड़ते हैं उसके बाद उसके कर्मों पर आते हैं, उसका बिल्कुल विपरीत होता है श्रद्धा में कि पहले हम व्यक्ति के कर्मों के प्रति आनंदपूर्ण स्वीकृति देते हैं और उसके बाद हम उसके व्यक्तित्व तक जाते हैं। ये अंतर है श्रद्धा और प्रेम में। आगे चले, प्रेम केवल निजी अनुभवों से जन्म लेता है, श्रद्धा दूसरों के अनुभव सुनकर भी जागती है। इसका चर्चा मैं पहले कर चुकी हूं। प्रेम में दो पक्ष होते हैं, प्रेमी और प्रिय, उसके अलावा किसी तीसरे की संभावना ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि प्रेम एक एकांतिक मनोभाव है। लेकिन श्रद्धा में तीन पक्ष होते हैं। कौन कौन से तीन पक्ष होते हैं, प्रश्न पूछा जा सकता है। श्रद्धालु यानी जो व्यक्ति किसी व्यक्ति के प्रति अपने हृदय में श्रद्धा का भाव रखता है, मध्यस्थ जिस गुण के कारण श्रद्धा उत्पन्न हुई है, और श्रद्धेय जिसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई है। यानी प्रेम में दो पक्ष होते हैं क्योंकि प्रेम एकांतिक है और श्रद्धा विस्तृत, और श्रद्धा में तीन पक्ष होते हैं यानी श्रद्धालु और श्रद्धेय के बीच जो गुण है जिनके कारण श्रद्धा का भाव उत्पन्न हुआ वो मध्यस्थ का काम करते हैं। यानी श्रद्धा के तीन पक्ष होते हैं। प्रेमी प्रिय के हृदय पर अधिकार चाहता है, जिससे हम प्रेम करते हैं हम चाहते हैं कि उसके मन में भी हमारे प्रति प्रेम हो और उसके हृदय में हमसे अलग हमसे भिन्न होकर कोई और भाव किसी और व्यक्ति के प्रति उत्पन्न नहीं न हो। यानी हम जो प्रेम करने वाले हैं यानी जो प्रेमी व्यक्ति हैं वे प्रिय के हृदय पर अपना पूर्ण आधिपत्य स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन श्रद्धालु में श्रद्धेय पर आकृत श्रद्धा में श्रद्धालु श्रद्धेय पर अपना अधिकार नहीं चाहता। वो चाहता है कि इसका हृदय विस्तृत रहे जिसके प्रति मैं श्रद्धा का भाव रखता हूं और समाज के अधिक से अधिक लोग उसके प्रति श्रद्धा भाव से भर उठें। अगला बिंदु, प्रेमी अपने प्रेम भाव में किसी को शामिल नहीं करता, श्रद्धालु अपने श्रद्धा भाव में पूरे संसार को शामिल करता है। आगे चलें। अब श्रद्धा के भेदों की बात आती है। प्रश्न पूछा जाता है, शुक्ल जी ने श्रद्धा के तीन भेद बताए हैं। प्रतिभा संबंधिनी श्रद्धा यानी किसी के किसी विशेष योग्यता से प्रभावित होकर जब हमारे मन में श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता है तो वो प्रतिभा संबंधी श्रद्धा है। जैसे कि मैंने आपसे एक चित्रकार के चित्र बनाने के कौशल की बात की तो वो प्रतिभा संबंधी श्रद्धा है। शील संबंधी श्रद्धा यानी किसी के बहुत अधिक सदाचार से युक्त गुण है, जो शील और सदाचार में बहुत अधिक बढ़कर है और उसके कारण हम उसके प्रति श्रद्धा भाव से भर उठते हैं, तो वो है शील संबंधी श्रद्धा। और साधन संपत्ति संबंधी श्रद्धा यानी किसी व्यक्ति के पास कोई एक ऐसी अर्जित योग्यता है जो उसने परिश्रम से, देखिए यहाँ जो प्रतिभा है वो स्वयं जात है, लेकिन साधन संपत्ति संबंधी श्रद्धा में जो साधन संपन्नता है वो अभ्यास के द्वारा प्रयत्न के द्वारा प्राप्त की गई है वो क्षमता, और उसको देखकर जो श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता है उसे कहते हैं साधन संपत्ति संबंधिनी श्रद्धा। अब बात आती है प्रतिभा संबंधिनी श्रद्धा, किसी की विशिष्ट कृतियों के कारण जो श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता है, जैसे जयशंकर प्रसाद की कामायनी को पढ़कर हम उनके प्रति श्रद्धा का भाव उत्पन्न करें तो हम प्रतिभा संबंधिनी श्रद्धा वाले के मनोविकार से उत्पन्न व्यक्ति हुए। आगे चलें। शील संबंधिनी श्रद्धा यानी किसी व्यक्ति के सदाचार शील और धर्म परायण व्यक्तित्व के कारण जो हमारे मन में श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता है उसे शील संबंधिनी श्रद्धा कहते हैं। मान लीजिए सत्य हरिश्चंद्र जैसा कोई अवतार आज की दुनिया में भी है और वो व्यक्ति सदाचार और शील और धर्म परायणता में सबसे आगे है और उसके प्रति प्रभाव उसके उन गुणों से शील और सदाचार से प्रभावित होकर हमारे मन में जो श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता है वो हो गया शील संबंधिनी श्रद्धा। अब बात आती है तीसरी श्रद्धा पर, साधन संपत्ति संबंधिनी श्रद्धा। अभ्यास के द्वारा प्राप्त किसी साधन संपन्नता के कारण जब श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता है तो उसे साधन संपत्ति संबंधिनी श्रद्धा कहते हैं। देखिए दोस्तों, शील संबंधिनी श्रद्धा और प्रतिभा संबंधी श्रद्धा, इन दोनों का केवल और केवल सदुपयोग ही हो सकता है, लेकिन साधन संपत्ति संबंधिनी जो श्रद्धा है उसका दुरुपयोग भी हो सकता है, उसका सदुपयोग भी हो सकता है, और वो उसका न दुरुपयोग हो न सदुपयोग हो, यानी उस प्रतिभा को उस योग्यता को कोई साधन संपन्नता को कोई उपयोग में ही न लाए ये भी संभव है। मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ा अच्छा पहलवान है और उसने प्रयत्न से अपने शरीर को बनाया है तो वो उस शरीर की ताकत का इस्तेमाल लोक की रक्षा के लिए यानी जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनकी रक्षा के लिए भी कर सकता है यानी उपयोगिता भी कर सकता है, और कोई निरपराध व्यक्ति है अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए उन पर अत्याचार करने में भी कर सकता है
यानी दुरुपयोग भी कर सकता है, और ये भी संभव है कि वो अपनी उस अर्जित साधन संपन्नता का कोई उपयोग ही न करे। साधन संपत्ति संबंधी श्रद्धा बिना सदुपयोग या दुरुपयोग की संभावना की कल्पना के शुभ साधन संपन्नता पर ही निर्भर होती है। ये संभव है कि ऐसा हो जाए, लेकिन शुक्ल जी जिसे साधन संपत्ति संबंधी श्रद्धा कहते हैं, उनका कहना है कि जब इन दोनों सदुपयोग और दुरुपयोग से ऊपर उठकर व्यक्ति अपनी साधन संपन्नता को लोक कल्याण से जोड़ता है, तभी वह साधन संपत्ति संबंधी श्रद्धा कहलाती है, क्योंकि किसी भी अत्याचारी व्यक्ति के प्रति श्रद्धा का भाव जागृत होगा ही नहीं। लेकिन ये एक सिर्फ संभावना है कि साधन संपत्ति संबंधी जो भाव है, यानी साधन संपन्नता जो है, उसका दुरुपयोग भी हो सकता है और सदुपयोग भी हो सकता है। आगे चलें। तीनों प्रकार की श्रद्धा में से यह भी प्रश्न पूछा जाता है। शील संबंधी श्रद्धा को सर्वोत्कृष्ट बताया है शुक्ल जी ने, क्योंकि उसका संबंध मनुष्य मात्र की सामान्य स्थिति की रक्षा से है। अब बात आती है श्रद्धालु की क्या विशेषताएं हैं। श्रद्धालु की दृष्टि सामान्य की ओर होती है, विशेष की ओर नहीं। देखिए, सामान्य की ओर होने का मतलब क्या है? हम जिस व्यक्ति के प्रति श्रद्धा रखते हैं उसके किसी एक गुण से प्रभावित नहीं होते, बल्कि उसके संपूर्ण व्यक्तित्व में जो श्रेष्ठ पूंजीभूत गुण हैं उनसे प्रभावित होते हैं, और उस जिससे हम प्रभावित हो रहे हैं, जिसके प्रति श्रद्धा का भाव हमारे हृदय में जाग रहा है, कोई जरूरी नहीं कि वो एक बहुत ही महान व्यक्ति हो। वो एक साधारण व्यक्ति अपने किसी एक खास गुण के कारण हमारी श्रद्धा का पात्र भी बन सकता है। तो सामान्य की ओर होती है श्रद्धालु की दृष्टि। कोई व्यक्ति महान नहीं है, लेकिन अपने गुणों के कारण बहुत आगे बढ़ा हुआ है, तो उसके प्रति भी श्रद्धा का भाव जागृत होता है। श्रद्धालु यदि किसी एक विषय को लेकर श्रद्धेय के प्रति अत्यधिक श्रद्धा है, तो उसकी अन्य विषयों की त्रुटियों पर उसका ध्यान नहीं जाता। यानी मान लीजिए हम किसी के प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं और उसमें एक गुण बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा है जिसके कारण हम उसके प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं, लेकिन उस श्रद्धा भाव के साथ, उस गुण के साथ साथ उसके व्यक्तित्व में कुछ एक दोष भी हैं, क्योंकि मनुष्य में अच्छे गुण भी होते हैं और बुरे गुण भी होते हैं, लेकिन हम उसके प्रति उस गुण के कारण इतने श्रद्धा भाव से भर गए हैं कि जो सच्चा श्रद्धालु है वो उसके उन दोषों की ओर, उनकी कमियों की ओर अपना ध्यान देता ही नहीं है, केंद्रित ही नहीं करता, और कभी जाता भी है तो वे सुहावनी लगती है। यानी हम उसके प्रति इतने अधिक श्रद्धा भाव से भर गए हैं कि हमें उसकी जो छुटपुट कमियां हैं वो भी मन को अच्छी लगती है। श्रद्धालु अपनी श्रद्धा से श्रद्धेय के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि उस श्रद्धेय जैसे हैं उनको वह उसी रूप में अपने हृदय में स्थान दे चुका है, इसलिए वो उनके व्यक्तित्व में परिवर्तन करने की कोशिश नहीं करता। ना ही श्रद्धेय के अनुरूप अपने स्वरूप में कोई परिवर्तन करता है, और ना ही ऐसा होता है कि वो श्रद्धेय के व्यक्तित्व में से इतना प्रभावित हो जाए कि अपने व्यक्तित्व को उनके अनुरूप बदलने के लिए तत्पर हो जाए। ऐसा अगर करता है कोई व्यक्ति तो वो श्रद्धा से ऊपर हो उठकर भक्त की श्रेणी में पहुंच जाता है। केवल और केवल एक भक्त ही अपने भक्ति भाजन यानी अपने आराध्य के व्यक्तित्व के अनुकूल अपने व्यक्तित्व की कांट छांट में लग जाता है। श्रद्धालु व्यक्ति ऐसा नहीं करता। तो ये अंतर भक्त और श्रद्धालु का आप ध्यान में रखेंगे। श्रद्धालु श्रद्धेय को प्रसन्न करने की इच्छा तो रख सकता है, किंतु उस प्रसन्नता से उससे स्वयं को कोई लाभ उठाने की कभी वो सोचता भी नहीं। यानी श्रद्धालु के मन में श्रद्धेय को प्रसन्न करने, उसे आनंद प्रदान करने का भाव तो होता है, लेकिन उस भाव से श्रद्धेय के प्रसन्न होने पर वो अपना उल्लू सीधा करने की नियत नहीं रखता, यानी स्वार्थ सिद्धि पर उसकी दृष्टि नहीं होती। आगे चलें। अब बात आती है श्रद्धा और दया की। श्रद्धा सामर्थ्यवान के प्रति होती है और दया सामर्थ्यहीन के प्रति। जब हम श्रद्धा का भाव रखते हैं तो यानी कि उसके किसी उसमें कोई ना कोई एक विशिष्ट गुण है, उस गुण की सामर्थ्य के कारण हम उसके प्रति श्रद्धा का भाव रखते हैं। लेकिन जब हमारे हृदय में दया का भाव उत्पन्न होता है तो वो किस व्यक्ति के प्रति होता है? जो सामर्थ्य से रहित है, जो लाचार है, जो असहाय है, उसी के प्रति हमारे मन में दया का भाव उत्पन्न होता है। तो श्रद्धा और दया में ये फर्क है। भक्ति का स्वरूप पर बात करते हैं। भक्ति का जन्म कैसे होता है? ध्यान देंगे, जब किसी व्यक्ति के हृदय में किसी के प्रति पूज्य भाव की वृद्धि हो, जो कि श्रद्धा में भी थी, साथ साथ उसके समीप रहकर कई रूपों में उसके साक्षात्कार की लालसा उत्पन्न हो, तो श्रद्धा का जन्म होता है। यानी
एक बात और आगे बढ़ गई जिसकी चर्चा मैं पहले कर चुकी हूं। महत्व की स्वीकृति तो है ही, पूज्य भाव की वृद्धि है ही, दो चीजें, और तीसरा है उसके समीप रहकर उसके व्यक्तित्व के भिन्न भिन्न पक्षों को साक्षात्कार करने की, उसे देखने की लालसा उत्पन्न हो। ये तीन बिंदु जब बढ़ जाते हैं, मिल जाते हैं आपस में, तो मनुष्य के हृदय में भक्ति का जन्म होता है। भक्ति में दूसरे के महत्व को स्वीकार करने के साथ साथ स्वयं की लघुता की भावना भी महत्वपूर्ण होती है। यानी हम जिसकी आराधना करते हैं, जिसके प्रति पूज्य भाव रखते हैं, जिसकी भक्ति रखते हैं, उसके महत्व को तो हम स्वीकार करते ही हैं, साथ ही उसकी तुलना में अपने आप को तुच्छ भी समझते हैं, अपने आप को बढ़ा चढ़ा समझने का भाव इसमें नहीं होता, जबकि लघुता की भावना श्रद्धा में नहीं होती। भक्ति में सामीप्य का अर्थ बाह्य एवं आंतरिक निकटता से है। बाहरी निकटता यानी साथ में रहना, बिल्कुल निकट रहना, और आंतरिक यानी हृदय के स्तर पर निकटता अनुभव करना, भावनात्मक जुड़ाव, आत्मीयता का अनुभव करना। दोनों ही प्रकार से भक्त जो है अपने भक्ति भाजन, अपने आराध्य के प्रति के साथ सामीप्य चाहता है। भक्ति का स्थान मानव हृदय है, मनुष्य के हृदय में ही भक्ति भाव उत्पन्न होता है, अतः भक्ति हृदय से की जाती है, बुद्धि से नहीं। अगला, श्रद्धा और भक्ति पर चर्चा करते हैं। भक्ति में भक्त भक्ति भाजन के जीवन में अपने जीवन का योग देकर उसके सामाजिक महत्व में वृद्धि करता है, लेकिन किंतु श्रद्धा में ऐसा नहीं करता। अब अंतर, सबसे बड़ा अंतर शुक्ल जी ने क्या बताया है श्रद्धा और भक्ति में, कि भक्ति, जो व्यक्ति भक्त है वो क्या करता है, वो अपने आराध्य के महत्व को स्वीकार करता है और अपने जीवन को, अपने शारीरिक और पारिवारिक जो जीवन है, जो सामाजिक जीवन है, उसकी आहुति दे देता है और केवल पूरी तरह से अपने आप को अपने आराध्य के प्रति समर्पित कर देता है, ताकि वो उनके महत्व में और अधिक वृद्धि कर सके। लेकिन श्रद्धालु अपने श्रद्धेय के प्रति अपने जीवन के किसी भी अंग का त्याग नहीं करता, वो केवल श्रद्धा भाव से युक्त होता है। भक्त स्वयं महत्व की ओर अग्रसर होता है, जबकि श्रद्धालु श्रद्धेय के महत्व को स्वीकार करते हैं। जिस व्यक्ति के प्रति हम श्रद्धा का भाव रखते हैं, उस व्यक्ति के महत्व को हम स्वीकार करते हैं। यानी श्रद्धालु व्यक्ति अपने श्रद्धेय के महत्व को अपने हृदय में स्थान देता है, लेकिन भक्त स्वयं उस महत्व को देने के कारण, अपने जीवन को अर्पित करने के कारण महत्व की ओर अग्रसर हो जाता है। इस अंतर को कंठस्थ करने के लिए आप श्री राम और हनुमान जी के बात को, प्रसंग को स्मरण कर लेंगे कि श्री राम के प्रति अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर देने के कारण न केवल हनुमान जी ने राम जी के महत्व को स्वीकार किया, उसकी स्थापना की, बल्कि स्वयं भी महत्व को प्राप्त हो गए। और परिणाम आपके सामने है कि समाज में बहुत सारे लोग यदि श्री राम के भक्त हैं तो हनुमान जी के भक्त भी बहुत हैं। तो ऐसी स्थिति में ये बात आप याद रखेंगे इस घटना के द्वारा, कि भक्त स्वयं भी महत्व की ओर अग्रसर होता है, लेकिन श्रद्धालु स्वयं महत्व की ओर अग्रसर नहीं होता, वो केवल और केवल अपने श्रद्धेय के महत्व को अपने हृदय में स्वीकार करता है। आगे, भक्त अपने जीवन में अपने भक्ति भाजन के अनुरूप परिवर्तन करता है। यानी जो बात हमारे व्यक्तित्व में हमें पता है कि हम हमारे आराध्य हैं और उनको हमारी ये व्यक्तित्व का ये पक्ष उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, तो हम अपने उन दोषों को दूर करने लग जाते हैं अपने आराध्य के अनुकूल रहने के लिए, ताकि हमारी अनुकूलता बनी रहे। लेकिन श्रद्धालु अपने व्यक्तित्व में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करता, श्रद्धेय के महत्व को अपने हृदय में स्वीकार करता है और अपने मन में श्रद्धा के भाव को रखता है। ये अगला अंतर। आगे चलें। भक्ति में याचकता का भाव प्रधान होता है, किंतु कोरी श्रद्धा में याचकता का भाव नहीं है। देखिए, हमने एक बात पढ़ी थी कि लघुता की भावना भक्त के लिए बहुत अनिवार्य होती है, क्योंकि वो अपने आराध्य को महत्वपूर्ण समझता है और स्वयं को लघु तुच्छ समझता है। तो जब तुच्छ समझकर वो अपने आप को पूरी तरह से अर्पित कर देता है अपने आराध्य के चरणों में, तो वह उनसे याचना करता है, प्रार्थना करता है कि वे उसके अनुकूल बने रहे और उसके व्यक्तित्व में जो भी प्रतिकूलताएं हैं वो दूर हों। तो ये याचकता का भाव केवल और केवल भक्त में होता है, श्रद्धालु में नहीं। श्रद्धा और भक्ति जो निबंध है हमारे पाठ्यक्रम में, उसकी कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जिनके माध्यम से ये जो विषय वस्तु जिसकी हमने चर्चा की ये आपको और अधिक समझ में आ जाएगी। तो एक नजर इन पर भी डाल लेते हैं।
पहली पंक्ति है श्रद्धा महत्व की आनंदपूर्ण स्वीकृति के साथ साथ पूज्य बुद्धि का संचार है। ये वो पंक्तियां हैं जिन पर आधारित अभिप्रेत अर्थ वाले या विषय वस्तु परक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इनको अच्छी तरह समझ लेंगे। यानी श्रद्धा में किसी के गुणों को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार किया जाता है, उनके महत्व को स्वीकार किया जाता है और उसके प्रति सम्मानपूर्ण बुद्धि का संचार हमारे हृदय में होता है, तो वो श्रद्धा होती है। श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है, प्रेम का एकांत। ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। प्रेम में घनत्व अधिक है और श्रद्धा में विस्तार। घनत्व का मतलब एक ही स्थान पर केंद्रित रहने का भाव, क्योंकि प्रेम केवल और केवल अपने प्रिय के तरफ ही केंद्रित होता है, उसमें किसी और के लिए स्थान नहीं होता। इसलिए कहा है शुक्ल जी ने कि प्रेम में घनत्व अधिक है और श्रद्धा में पूरा का पूरा समाज विद्यमान होता है, इसलिए श्रद्धा के भाव में विस्तार है। अगला, कर्ता से बढ़कर कर्म का स्मारक कोई दूसरा नहीं। अब यहां इस कथन को समझने के लिए हम दोस्तों स्मारक शब्द को समझ लेते हैं। स्मारक आप सभी जानते हैं, जब किसी की स्मृति में कोई इमारत बनाई जाती है तो वो स्मारक कहलाती है। जैसे कि ताजमहल शाहजहां ने बनवाया, तो ताजमहल न केवल उनके कला प्रेम का प्रतीक है, स्मारक है, बल्कि मुमताज की स्मृतियों का भी स्मारक है। इसी तरह से कोई भी व्यक्ति जब अद्भुत काम करता है, विशिष्ट काम करता है, समाज के लिए उपयोगी कार्य करता है, तो वह कर्ता जीवित रहे या न रहे, उसके उन कर्मों के द्वारा हम उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को स्मरण करते हैं। यही बात यहाँ कहना चाह रहे हैं कि कर्ता से बढ़कर कर्म का स्मारक नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है वह वास्तव में उन सद कर्मों का स्मारक बन करके रह जाता है, जिसके कारण वो समाज पर अपने व्यक्तित्व का अद्भुत प्रभाव छोड़ता है। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण, ये बात मैं आपको अच्छी तरह से समझा चुकी हूं। आगे चलते हैं। श्रद्धा एक ऐसी आनंदपूर्ण कृतज्ञता है जिसे हम केवल समाज के प्रतिनिधि के रूप में प्रकट करते हैं। आनंदपूर्ण कृतज्ञता का मतलब क्या है कि हमारे अंदर हम किसी के प्रति श्रद्धा भाव से भर उठे, हमारे अंदर उनके गुणों की स्वीकृति का आनंदपूर्वक आनंद भी है और कृतज्ञता का भाव भी है। क्यों है कृतज्ञता? कृतज्ञता का भाव का मतलब है आभारी होने का भाव। आभारी क्यों है? क्योंकि जो हमारे श्रद्धेय हैं उनके कारण, उनके कर्मों, उनके सद्गुणों के कारण समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और जिसके कारण हम कृतज्ञता का अनुभव करते हैं उनके प्रति। क्यों? क्योंकि हम भी उसी समाज के अंग हैं जिसके विकास में हमारे श्रद्धेय अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, तो उनके प्रति आभार का भाव हमारे हृदय में होता है। यानी श्रद्धा एक आनंदपूर्ण कृतज्ञता है। जब तक हमारे अंतःकरण में सामान्य आदर्शों की स्थापना नहीं होती, तब तक हमें श्रद्धा का अनुभव नहीं होता। यानी देखिए, अब कृतज्ञता भी कब उत्पन्न होगी? कितना भी कोई अच्छा कार्य करे, लेकिन कृतज्ञता का भाव तभी उत्पन्न होगा जबकि हमारे खुद के हृदय में अच्छे आदर्श और सद्भावनाएं विद्यमान है। अगर हम बुरी प्रवृत्ति के हैं तो हम किसी दूसरे के अच्छे गुणों से प्रभावित होंगे ही नहीं, उसके प्रति श्रद्धा से भर ही नहीं उठेंगे, तो ऐसी स्थिति में कृतज्ञता का भाव भी उत्पन्न नहीं होगा। यही बात इस पंक्ति में शुक्ल जी कह रहे हैं कि जब तक हमारे हृदय में सामान्य जो आदर्श है, सदा सत्य बोलो, दूसरों की बुरा मत करो, स्वार्थ केंद्रित होकर जीवन मत जियो, मानव मूल्यों की स्थापना करो, ऐसे जितने भी आदर्श हैं, वो आदर्श अगर हमारे हृदय में स्थापित नहीं है तो हमारे हृदय में श्रद्धा का अनुभव होगा ही नहीं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के अच्छे गुणों को हम अपने हृदय में स्थान दे ही नहीं पाएंगे। श्रद्धा धर्म की पहली सीढ़ी है। धर्म के इस प्रथम सोपान पर प्रत्येक मनुष्य को रहना चाहिए, जिससे जब कभी अवसर आए तब वह कर्म रूप दूसरे सोपान पर हो जाए। देखिए यहां ये पंक्ति आप बहुत अच्छी तरह से कंठस्थ कर लेंगे। प्रश्न पूछा जा सकता है कि श्रद्धा किसकी पहली सीढ़ी है या धर्म की पहली सीढ़ी क्या है? तो श्रद्धा है। धर्म क्या है? धर्म का मतलब यहाँ पूजा पाठ करने से ही नहीं है दोस्तों, धर्म का मतलब है एक मनुष्य होने के नाते हमारे जो मानवीय दायित्व हैं वो अगर हमारे हृदय में नहीं है तो इसका मतलब है कि हम श्रद्धा के भाव के योग्य हैं ही नहीं। तो सबसे पहले हमारे हृदय में क्या होना चाहिए? धर्म की स्थापना होनी चाहिए, अपने मानवीय दायित्वों के प्रति सजगता और जागरूकता का भाव होना चाहिए और आदर्शों के प्रति स्वीकृति की भावना होनी चाहिए।
जब तक आदर्शों के प्रति स्वीकृति की भावना नहीं है तब तक धर्म की स्थापना नहीं है, और जब तक धर्म की स्थापना नहीं है तब तक श्रद्धा का भाव नहीं है, और जब धर्म की स्थापना श्रद्धा भाव से उत्पन्न होकर जब हम आदर्शों के प्रति स्वीकृति का भाव उत्पन्न करते हैं तो हम धर्म की पहली सीढ़ी पर आ जाते हैं, और जब हम धर्म की पहली सीढ़ी पर आ जाते हैं, आदर्श हमारे हृदय में स्थापित हो गए, उसके बाद हम उन स्थापित आदर्शों के अनुकूल कर्म करने का प्रयत्न करते हैं तो हम कर्म रूप अगली सीढ़ी पर आ जाते हैं। यानी ये एक क्रम है, पहले श्रद्धा, फिर धर्म और फिर कर्म। तो इस क्रम को आप अच्छी तरह से ध्यान में रख लेंगे। अगला बिंदु, श्रद्धा न्याय बुद्धि के पलड़े पर तुली हुई एक वस्तु है जो दूसरे पलड़े पर रखे हुए श्रद्धेय के गुण कर्म आदि के हिसाब से होती है। क्या कहना चाहते हैं शुक्ल जी? कि शुक्ल जी कहते हैं कि हर व्यक्ति के पास बुद्धि होती है और उसे कहते हैं न्याय बुद्धि। यानी एक तो होती है निश्चयात्मिका बुद्धि और एक होती है अनिश्चयात्मिका बुद्धि। निश्चयात्मिका बुद्धि जिसके द्वारा हम निर्णय करते हैं, और जब हम संदेहग्रस्त होते हैं तो अनिश्चयात्मिका बुद्धि हमारी तत्पर होती है। इसका जिक्र भी आगे निबंध में आएगा, तब मैं इसकी चर्चा करूंगी। तो वो कहते हैं कि जो जिस व्यक्ति के पास न्याय बुद्धि है तो जब भी वो किसी भी व्यक्ति के गुणों को देखता है तो वो अपनी उस न्याय बुद्धि के सहारे यानी निश्चयात्मिका बुद्धि के सहारे उस व्यक्ति के गुणों को तोलता है। जैसे हम तराजू से कोई भी वस्तु तोलते हैं तो एक में तराजू में वस्तु रखते हैं और दूसरे में उसके अनुकूल दूसरे जो बाट आदि होते हैं वो रखे जाते हैं तोलने के लिए। इसी तरह से व्यक्ति कहते हैं, शुक्ल जी कहते हैं कि एक पलड़े में हमारी न्याय बुद्धि जो है वो श्रद्धेय के गुणों को रखती है और दूसरे में अपने भावों को रखती है। जितना गुणों का वजन होता है उसके अनुरूप हमारी श्रद्धा की भावना बढ़ती चली जाती है। ये बात यहाँ कहने की कोशिश की गई है। अगले पर आते हैं, श्रद्धा प्रदर्शित करने का जितना विस्तृत सामाजिक अधिकार हमें प्राप्त है उतना उसके विपरीत भाव अश्रद्धा या घृणा प्रकट करने का नहीं, क्योंकि श्रद्धा यदि हमने भूल से या स्वार्थवश प्रकट की तो किसी को उतनी हानि नहीं, पर यदि घृणा भूल से या द्वेषवश प्रकट की तो व्यर्थ का असंतोष और दुख फैल जाता है। तब वो कहते हैं कि हमें श्रद्धा अपने किसी भी व्यक्ति के गुणों से प्रभावित होकर उसके प्रति श्रद्धा प्रदर्शित करने का तो विस्तृत अधिकार, सामाजिक अधिकार मिला हुआ है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के प्रति श्रद्धा का भाव अभिव्यक्त करने से समाज का कल्याण ही होता है, समाज का मार्गदर्शन ही होता है, समाज के लिए ये श्रद्धा का भाव उपयोगी है। लेकिन किसी के प्रति घृणा करने का भाव, किसी के प्रति द्वेष या ईर्ष्या करने का भाव हमें समाज नहीं देता। क्यों? क्योंकि इस तरह के भावों से समाज में नकारात्मकता फैलती है और नकारात्मकता समाज की प्रगति में बाधक होती है। यही बात यहाँ स्पष्ट की गई है। आगे चलें। भक्त वे ही कहला सकते हैं जो अपने जीवन का बहुत सा अंश से मतलब क्या है, अंश और स्वार्थ दो चीजें हैं, बहुत सा अंश अपने जीवन का और स्वार्थ, यानी स्वार्थ को एक तरफ रख दें और अपने जीवन के प्रति जो हमारी दायित्व है उनको भी एक बार को भूल जाएं। कैसे? परिवार या शारीरिक सुख आदि, ये सब जो भी हैं कि हम अपने परिवार की जिम्मेदारियां भी भूल जाएं और अब अपने शारीरिक सुख को भी भूल जाएं, ऐसा जब हम करते हैं तो वो कौन होते हैं? ऐसा करने वाले लोग सच्चे भक्त होते हैं। से विभक्त करके किसी के आश्रय से किसी और लगा सकते हैं, इसी का नाम है आत्मनिवेदन। कि जब कोई व्यक्ति किसी आराध्य के प्रति सच्चा भक्ति भाव रखता है तो वो एक तो स्वार्थ से ऊपर उठ जाता है, यानी अपनी स्वार्थ सिद्धि करना, अपने हित के विषय में सोचना उसके मस्तिष्क में आता ही नहीं। वो क्या सोचता है कि मैं अपने जीवन को पूरा का पूरा अपने आराध्य के चरणों में समर्पित कर दूं, उनके सामाजिक महत्व को बढ़ाने में अपना योगदान दे दूं। जब इस तरह का पूरा समर्पण हो जाता है किसी भी भक्त का तो उसे कहा जाता है आत्मनिवेदन। यानी ये आत्मनिवेदन एक प्रकार से आत्मसमर्पण का भी विस्तृत रूप है। अगला बिंदु, श्रद्धा द्वारा हम दूसरे के महत्व के किसी अंश के अधिकारी नहीं हो सकते पर भक्ति द्वारा हो सकते हैं। हमने एक बिंदु पढ़ा था कि भक्त स्वयं महत्व की ओर अग्रसर होता है, वही बात यहाँ स्पष्ट की गई है कि जब हम किसी व्यक्ति के प्रति श्रद्धा का भाव रखते हैं तो हम दूसरे के महत्व के अधिकारी नहीं होते। यानी जिसके प्रति श्रद्धा कर रहे हैं उसके गुण उसी तक सीमित रहते हैं, समाज तक आते हैं, लेकिन उनके कारण हमारा महत्व नहीं बढ़ता। लेकिन जब हम किसी की भक्ति करते हैं तो हमारे आराध्य के जो गुण हैं
उनके कारण हमारा महत्व भी बढ़ता है, जैसे श्री रामचंद्र जी के अनन्य भक्त होने के कारण हनुमान जी का महत्व बढ़ा, यानी भक्ति के द्वारा हम उस अपने आराध्य के महत्व के एक अंश के अधिकारी हो सकते हैं। लेकिन श्रद्धा के कारण हम किसी श्रद्धेय के किसी भी महत्व के अधिकारी नहीं हो सकते। ये दोनों में, श्रद्धा और भक्ति में, अंतर बताया गया है। आगे चले, श्रद्धालु महत्व को स्वीकार करता है पर भक्त महत्व की ओर अग्रसर होता है। ये बिंदु बहुत अच्छा है, इसे ध्यान रखेंगे। श्रद्धालु अपने जीवन कर्म को ज्यों का त्यों छोड़ता है। जब हम श्रद्धा भाव से युक्त होते हैं तो हम अपने जीवन के प्रति कोई काट छांट नहीं करते, उसमें कोई फेरबदल नहीं करते। जैसे हम हैं हम वैसे ही रहते हैं और श्रद्धेय के प्रति केवल श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, श्रद्धा भाव अर्पित करते हैं। लेकिन भक्त उसकी काट छांट में लग जाता है। लेकिन जब हम भक्त होते हैं तो हम अपने आराध्य के अनुकूल अपने व्यक्तित्व में काट छांट करना शुरू कर देते हैं, यानी बदलाव करना प्रारंभ कर देते हैं। व्यक्ति संबंधहीन सिद्धांत मार्ग निश्चयात्मिका बुद्धि को चाहे व्यक्त हो पर प्रवर्तक मन को अव्यक्त कहते हैं। थोड़ा सा कठिन वाक्य है, लेकिन अगर हम एक एक शब्द को अच्छी तरह से समझेंगे तो हमें लगेगा कि ये वाक्य तो बहुत ही सरल है। तो सबसे पहले हम समझेंगे सिद्धांत मार्ग क्या है। सिद्धांत मार्ग है आदर्श। जितने भी सिद्धांत, नैतिक मूल्य, और भी स्पष्ट कर दूं तो नैतिक मूल्य, जितने भी सिद्धांत हमारे समाज के विकास के लिए बनाए गए हैं, जो नैतिक मूल्य हैं, जैसे जिनकी मैंने अभी चर्चा की, सदा सत्य बोलना चाहिए, परोपकार ही सज्जनों की शोभा है, पर्यावरण के प्रति जागरूक रहना चाहिए, किसी भी पीड़ित व्यक्ति के पीड़ा का नाश करना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए, इस तरह के जितने भी सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों की बात यहाँ की जा रही है सिद्धांत मार्ग के द्वारा। ये सिद्धांत मार्ग कोई दार्शनिक सिद्धांत मार्ग नहीं है, बल्कि मानवीय मूल्यों के सिद्धांतों का मार्ग है। ठीक है, अब ये सिद्धांत मार्ग आपकी समझ में आ गया। अब इससे जुड़े हुए हैं व्यक्ति संबंधी, यानी इन सिद्धांतों के साथ यदि किसी व्यक्ति का कोई संबंध ही नहीं है, यानी ये जो सिद्धांत बनाए गए हैं उनको हम किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में साकार रूप से जब तक नहीं देखते, तब तक हमारी निश्चयात्मिका बुद्धि जो है वो तो इन सिद्धांतों को समझती है कि ये सिद्धांत बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब हमारे सामने साक्षात आ जाए कि ये व्यक्ति बहुत सत्यवादी है, ये व्यक्ति बहुत परोपकारी है, हम ऐसा करते हुए लोगों को देखें, तो उन सिद्धांतों के प्रति हमारे मन में विश्वास उत्पन्न होता है। ये बात यहां स्पष्ट की गई है। लेकिन यदि व्यक्तियों से संबंध नहीं है इन सिद्धांतों का, तो हमारी बुद्धि तो इन सिद्धांतों को समझती है, लेकिन हमारा जो मन है, प्रवर्तक मन का मतलब क्या है, इन सिद्धांतों को अपनाने के लिए प्रेरित करने वाला हमारा जो मन है, उसे ये सिद्धांत जो व्यक्ति संबंधहीन है ये दिखाई नहीं देते। क्योंकि ये कब दिखाई देंगे प्रवर्तक मन को, जब हमें वो सिद्धांत किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में साकार रूप से दिखाई देंगे। ये मनोरंजनकारी तभी लगते हैं जब किसी व्यक्ति के जीवन क्रम के रूप में देखे जाते हैं। आगे चलें। गुण प्रत्यक्ष नहीं होता, उसके आश्रय और परिणाम प्रत्यक्ष होते हैं। यानी कोई व्यक्ति बहुत ही परोपकारी है तो हुआ करे उसके व्यक्तित्व में वो गुण हमें कब तक दिखाई नहीं देगा, जब तक कि उसके कर्म हमें उस तरह का करते हुए दिखाई नहीं देंगे, तब हमें उसके आश्रय यानी जिसके अंदर वो गुण विद्यमान है वो आश्रय हो गया, और उसके जो कर्म जो परिणाम के रूप में हमारे सामने आते हैं उनके कारण ही गुण हमें दिखाई देते हैं। गुण स्वयं दिखाई नहीं देते, प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने नहीं आते। अंतःकरण की जितनी वृत्तियां हैं उनमें से कोई निरर्थक नहीं, यानी अंतःकरण में शुक्ल जी कह रहे हैं जितने भी मनोभाव हैं, मनोविकार हैं, चाहे वो ईर्ष्या घृणा और द्वेष ही क्यों ना हो, सब समाज की दृष्टि से उपयोगी हैं। ये कहना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अब वो ऐसा क्यों कह रहे हैं ये अगली पंक्तियों में देखते हैं। इनमें से किसी की शक्ति फालतू नहीं, यदि मनुष्य इनमें से किसी को निष्क्रिय करने का अभ्यास डालेगा तो अपनी पूर्णता को खोएगा, अपनी स्थिति को जोखिम में डालेगा। सारे मनोविकारों से मिलकर, चाहे वो अच्छे हैं या बुरे मनोविकार, सबसे मिलकर ही व्यक्तित्व मनुष्य का बनता है, और यदि हम किसी भी एक अपने गुण को दबाएंगे तो हम अपने व्यक्तित्व की पूर्णता को नष्ट करेंगे। ये बात आप ध्यान में रख लीजिए, इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है।
संसार से तटस्थ रहकर शांति सुख पूर्वक लोक व्यवहार संबंधी उपदेश देने वालों का अधिक महत्व हिंदू धर्म में नहीं है। यानी संसार से विरक्त हो गए और उसके बाद एक जगह बैठकर केवल और केवल उपदेश दिए और अपने जीवन क्रम में उन उपदेशों को ढाला नहीं, ऐसे लोगों का महत्व हिंदू धर्म में बिल्कुल भी नहीं है। जितना संसार के भीतर घुसकर उसके व्यवहारों के बीच सात्विक विभूति की ज्योति जगाने वालों का है, बल्कि महत्व किसका है हिंदू धर्म में? वे लोग जो उपदेश जो दिया करते हैं उन्हें अपने व्यक्तित्व में धारण करते हैं, विकसित होते हुए समाज के सामने प्रदर्शित करते हैं, ऐसे लोगों का यहाँ पर महत्व है। वृत्तियों की भिन्नता के बीच से जो मार्ग निकल सकेगा वही लोक रक्षा का मार्ग होगा, वही धर्म का चलता हुआ मार्ग होगा। शुक्ल जी इस पंक्ति के द्वारा कह रहे हैं कि वृत्ति कौन सी है? जो परस्पर विरोधी वृत्तियां हैं, जैसे प्रेम है, घृणा है, ये परस्पर विरोधी हैं। तो शुक्ल जी क्योंकि कह चुके कि जितने भी मनोविकार हैं हमारे, वे सभी समाज की दृष्टि से उपयोगी हैं। तो इन सबके बीच में से निकल करके हम जिस मार्ग को चुनेंगे वही मार्ग वास्तव में लोक की रक्षा का यानी समाज के विकास का मार्ग होगा और वही धर्म का सबसे अधिक उपयोगी मार्ग होगा। क्योंकि विपरीत, जब तक विपरीत स्थितियां हमारे सामने नहीं होंगी, जैसे मैं कई बार आपसे चर्चा करती हूँ कि अगर रात नहीं होगी तो सूर्योदय का महत्व हम नहीं समझ पाएंगे, यदि दुख नहीं होगा तो हम सुख को नहीं अनुभव कर पाएंगे, उसी तरह से वही बात यहाँ शुक्ल जी कह रहे हैं कि विपरीत मनोविकारों से मिलकर व्यक्तित्व बनता है और उनके बीच से एक सही मार्ग चुनना व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है जो समाज के लिए उपयोगी हो, और वही धर्म का सच्चा मार्ग होता है। अब बात आती है दोस्तों, ये हुई हमारी आज की श्रद्धा भक्ति निबंध की विषय वस्तु। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की। प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए बहुत कम हैं, अधिकतर प्रश्न विषय वस्तु पर आधारित बनाए गए हैं नए, तो जिसके कारण मैं समझती हूं कि आपकी इस निबंध की विषय वस्तु पर पकड़ मजबूत होगी। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं, शुक्ल जी ने श्रद्धा व भक्ति निबंध में स्थूल रूप से श्रद्धा के कितने भेद बताए हैं? तो आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2011 में ये प्रश्न पूछा गया। विकल्प हैं 2, 3, 4 और 5। तो तीन श्रद्धा के तीन भेद बताए हैं, कौन कौन से भेद है? प्रतिभा संबंधी, शील संबंधी और साधन संपत्ति संबंधी। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलते हैं, श्रद्धा भक्ति निबंध के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है? आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए इसे अच्छी तरह से मजबूती से समझ लेंगे। ए, श्रद्धा में घनत्व अधिक होता है और प्रेम में विस्तार। प्रेम में कोई मध्यस्थ नहीं, श्रद्धा में मध्यस्थ अपेक्षित। श्रद्धा का मूल तत्व है दूसरे का महत्व स्वीकार करना। श्रद्धा तीन प्रकार की होती है, प्रतिभा संबंधी, शील संबंधी और साधन संपत्ति संबंधी। तो दोस्तों हम इतनी अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं तीन प्रकार, ये पूरी तरह से सही कथन है। श्रद्धा का मूल तत्व है दूसरे के महत्व को स्वीकार करना, ये भी सही है। प्रेम में कोई मध्यस्थ नहीं होता और श्रद्धा में मध्यस्थ अनिवार्य होता है, ये भी सही है। यानी ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्यों? क्योंकि ये गलत कथन क्यों है, सही क्यों नहीं है? क्योंकि श्रद्धा में घनत्व नहीं होता, प्रेम में घनत्व होता है और श्रद्धा में विस्तार होता है। क्यों? क्योंकि प्रेम में हम किसी मध्यस्थ की आवश्यकता अनुभव नहीं करते, लेकिन श्रद्धा में हम चाहते हैं मध्यस्थ का होना, चाहना क्या, मध्यस्थ का होना अनिवार्य होता है। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल के निबंध श्रद्धा भक्ति के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। ए विकल्प, प्रेम महत्व की आनंदपूर्ण स्वीकृति के साथ साथ पूज्य बुद्धि का संचार है। प्रेम में घनत्व अधिक होता है, श्रद्धा में विस्तार। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम ही बुद्धि है। तो दोस्तों ये सभी वाक्य देखिए, जो वाक्य आपको समझाए गए हैं बार बार उन्हीं पर आधारित प्रश्न परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो यहां से हम चलते हैं, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, बिल्कुल सही कथन है। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण, बिल्कुल सही है। प्रेम में घनत्व अधिक होता है, श्रद्धा में विस्तार, ये भी बिल्कुल सही है। यानी ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। और क्यों है? प्रेम महत्व की आनंदपूर्ण स्वीकृति के साथ साथ पूज्य बुद्धि का संचार नहीं है, बल्कि प्रेम की जगह क्या होना चाहिए? श्रद्धा, तभी यह कथन सही होगा। इसका मतलब ए विकल्प सही नहीं है। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ? यूपी पीजीटी 2002 में यह प्रश्न पूछा गया। इस पर हम चर्चा कर चुके हैं, विचार कौस्तुभ, विचारमणि, विचार बैन या विचार वीथी।
तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, आंसर हुआ डी। अगला, यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण, यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है? बहुत ही सरल है, यूपी पीजीटी 2004 में यह प्रश्न पूछा गया, भाव या मनोविकार, श्रद्धा भक्ति, कविता क्या है या करुणा। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि श्रद्धा भक्ति निबंध ही हम पढ़ रहे हैं और उसी की पंक्ति है ये। अगला प्रश्न, निबंध को गद्य की कसौटी किसने माना है? देखिए यहाँ वही कथन आ गया है वापस, उसी पर आधारित प्रश्न है, यूपी पीजीटी 2013 में ये प्रश्न पूछा गया, ए बाबू श्याम सुंदर दास, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी रामचंद्र शुक्ल और डी रामविलास शर्मा। तो जाहिर सी बात है सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया कथन है ये। अगला प्रश्न, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, यह कथन किसका है? दिल्ली केवी पीजीटी 2015 में यह प्रश्न पूछा गया, विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास या वनमाली। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आज के सत्र की शुरुआत ही हमने इस कथन से की थी, तो रामचंद्र शुक्ल का कथन है ये, तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित निबंध कौन सा नहीं है? उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में यह प्रश्न पूछा गया, श्रद्धा भक्ति, बात, करुणा या उत्साह। तो दोस्तों श्रद्धा भक्ति शुक्ल जी का है, करुणा शुक्ल जी का है, उत्साह शुक्ल जी का है, बात निबंध शुक्ल जी का नहीं बल्कि प्रताप नारायण मिश्र का है। तो उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल के श्रद्धा और भक्ति तथा लोभ और प्रीति निबंध किस श्रेणी में आते हैं? झारखंड पीजीटी हिंदी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया, भाव या मनोविकार संबंधी, साहित्य सिद्धांत संबंधी, विचारात्मक या साहित्य समीक्षा संबंधी। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, पहले ही बता दिया गया आपको कि ये सभी निबंध भाव और मनोविकार संबंधी निबंध है, तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, श्रद्धा भक्ति निबंध में शुक्ल जी के द्वारा गिनाए गए श्रद्धा के तीन प्रकारों में से कौन सा प्रकार नहीं है? झारखंड पीजीटी हिंदी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया, ए शील संबंधिनी, बी साधन संपत्ति संबंधिनी, सी प्रतिभा संबंधिनी या सौंदर्य संबंधिनी। तो ये तीनों शुक्ल जी ने बताए हैं श्रद्धा के तीन भेद, डी विकल्प यहां नहीं बताया गया है, तो इसलिए डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, आंसर डी। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल के अनुसार श्रद्धा है मन का भाव, विशिष्ट गुणों के कारण हृदय में स्थापित स्थाई आनंद पद्धति, विशिष्ट गुणों के कारण उत्पन्न प्रभाव या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, किसी के विशिष्ट गुणों के कारण हमारे हृदय में जो आनंद पद्धति यानी उस गुण को स्वीकार करने की जो भावना और उससे उत्पन्न जब आनंद का भाव होता है तो उसे हम श्रद्धा कहते हैं। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, आंसर हुआ बी। प्रेम में घनत्व अधिक है और श्रद्धा में विस्तार, पंक्ति का अभिप्रेत अर्थ है, प्रेम का क्षेत्र सीमित होता है, श्रद्धा का विस्तृत, श्रद्धा से प्रेम श्रेष्ठ है, प्रेम के घनीभूत स्वरूप के कारण उसकी तुलना श्रद्धा से नहीं की जा सकती, श्रद्धा प्रेम का विकसित रूप है। तो दोस्तों इसका सही अभिप्रेत अर्थ है ए, क्योंकि इस कथन के द्वारा शुक्ल जी कहना चाहते हैं कि प्रेम का क्षेत्र सीमित होता है, क्योंकि प्रेम केवल अपने प्रिय तक ही केंद्रित होता है, लेकिन श्रद्धा क्योंकि एक सामाजिक भाव है तो उसका क्षेत्र विस्तृत होता है। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आचार्य शुक्ल ने कर्म का स्मारक किसे बताया है? मन को, भावनाओं को, श्रद्धा को या कर्ता को? इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, कर्ता को उन्होंने कर्म का स्मारक बताया है, तो सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण पंक्ति का क्या अर्थ है? प्रेम में केवल दो पक्ष होते हैं, प्रेम में व्यक्ति एकांत चाहता है, श्रद्धा में श्रद्धेय के गुणों का भागीदार सबको बनाना चाहता है, प्रेमी प्रिय को अपने लिए संसार से अलग करना चाहता है, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है कि प्रेम में व्यक्ति एकांत चाहता है और श्रद्धा में श्रद्धेय के गुणों का भागीदार सबको बनाना चाहता है, क्योंकि जागरण है, जब जागरण होगा, जागृति का भाव होगा, तभी परिवेश में श्रद्धेय के प्रति श्रद्धा भाव को विकसित करने, विस्तृत करने का भाव मनुष्य के मन में आएगा। तो आंसर इसका हुआ बी। अगला प्रश्न, श्रद्धा और प्रेम में अंतर के संबंध में असत्य कथन है, श्रद्धा में तीन पक्ष होते हैं, प्रेम में दो, श्रद्धा समाज की भागीदारी चाहती है और प्रेम एकांत, श्रद्धा में व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है और प्रेम में कर्म,
प्रेम अपने अनुभव पर निर्भर होता है और श्रद्धा दूसरों के अनुभव पर भी जागती है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि अंतर के संबंध में असत्य कथन यही है। श्रद्धा में व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता बल्कि उसके कर्म महत्वपूर्ण होते हैं, प्रेम में व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है और यहाँ उल्टा कहा गया है, तो इसलिए सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, श्रद्धा का मूल तत्व क्या है? दूसरों का महत्व स्वीकार करना, सामाजिकता, गुणों की प्रतिष्ठा या एकांतिकता? तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, दूसरों के महत्व को स्वीकार करना श्रद्धा का मूल तत्व है, तो सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, श्रद्धा भक्ति निबंध के आधार पर बताइए कि भक्ति से संबंधित असंगत कथन कौन सा है? असंगत कथन पूछा गया है दोस्तों, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। भक्ति में भक्ति भाजन के समीप रहकर उसे विविध रूपों में देखने की अभिलाषा होती है। भक्ति में भक्त भक्ति भाजन के साथ एकांत चाहता है। भक्त के हृदय में भक्ति भाजन से घनिष्ठ संबंध स्थापित करने की लालसा होती है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि भक्ति में भक्त भक्ति भाजन के साथ एकांत नहीं चाहता। ये कौन चाहता है? ये केवल प्रेम में एक प्रेमी व्यक्ति चाहता है एकांत। न तो श्रद्धा में एकांत की आवश्यकता होती है और ना भक्ति में। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, श्रद्धालु महत्व को स्वीकार करता है पर भक्त महत्व की ओर अग्रसर करता है, अग्रसर होता है। पंक्ति का अर्थ है श्रद्धालु श्रद्धा के महत्व को समझता है किंतु भक्त स्वयं को महत्वपूर्ण समझता है। श्रद्धालु दिन रात श्रद्धेय के व्यक्तित्व में खोया रहता है परंतु भक्त भक्ति भाजन तक पहुंचने का प्रयत्न में लगा रहता है। श्रद्धालु श्रद्धेय के विशेष गुण और शक्ति के कारण उसके महत्व को स्वीकार करता है तथा भक्त अपने भक्ति भाजन के अनुकूल अपने व्यक्तित्व की काट छाट कर स्वयं भी महत्वपूर्ण बनता है और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि श्रद्धालु श्रद्धेय के विशेष गुण और शक्ति के कारण उसके महत्व को स्वीकार करता है और भक्त क्या करता है? अपने भक्ति भाजन के अनुकूल कि उसे क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं, अपने व्यक्तित्व की काट छाट में लग जाता है और वही कार्य करना पसंद करता है जो भक्ति भाजन को यानी आराध्य को पसंद है, और यही कारण है कि वह भी स्वयं महत्व की ओर अग्रसर होता है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, यदि राम हमारे काम का है तो रावण भी हमारे काम का है, इस पंक्ति के द्वारा शुक्ल जी क्या कहना चाहते हैं? राम और रावण रामायण के दो महत्वपूर्ण पात्र हैं। राम अपने गुणों के कारण और रावण अपने दुर्गुणों के कारण हमारे लिए उपयोगी है, क्योंकि ये हमें ग्राह्य और अग्राह्य की सीख देते हैं। ग्राह्य का मतलब है जो ग्रहण करना चाहिए और अग्राह्य जो ग्रहण नहीं करना चाहिए। दुराचारियों को रावण का व्यक्तित्व प्रेरित करता है, समाज के विकास में दुर्गुण भी अनिवार्य है। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि इस कथन के द्वारा शुक्ल जी ये कहना चाहते हैं कि राम यहाँ पर राम किस बात की ओर संकेत कर रहा है? सद्गुणों की ओर, और रावण किस बात की ओर संकेत कर रहा है? दुर्गुणों की ओर। तो क्या कहना चाहते हैं कि दोनों ही हमारे काम के हैं। जैसा कि शुक्ल जी ने अपने निबंध में कहा कि मनुष्य के हृदय में अच्छे और बुरे सभी प्रकार के मनोभाव होते हैं, मनोविकार होते हैं, और वे सभी मनोविकार समाज के लिए उपयोगी होते हैं, क्योंकि वो हमें ये बताते हैं कि हमें क्या ग्रहण करना है और क्या नहीं। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, व्यक्तित्व संबंधहीन सिद्धांत मार्ग निश्चयात्मिका बुद्धि को चाहे व्यक्त हो पर प्रवर्तक मन को अव्यक्त रहता है। पंक्ति का आशय है सिद्धांत व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं। मनुष्य प्रारंभ से सिद्धांतों के विषय में सुनता आया है। सिद्धांत तभी मन को अच्छे लगते हैं जब हम किसी व्यक्ति के जीवन में उनका सौंदर्य देखते हैं। सिद्धांत जीवन के लिए अनुपयोगी होते हैं। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि जब हमने इस पंक्ति की व्याख्या की थी, इसका अर्थ समझा था, तब हमने समझ लिया था कि कोई भी सिद्धांत तभी हमें मनोरंजनकारी या मन को रुचिकर लगता है जब हम किसी व्यक्ति के जीवन में उन्हें साक्षात प्रत्यक्ष होते हुए विकसित होते हुए देखते हैं। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, श्रद्धा में निम्नलिखित में से कौन सी बात शामिल नहीं है? महत्व की स्वीकृति, पूज्य बुद्धि का संचार, विशेष गुण या शक्ति और सुंदर रूप। तो हमें क्या बताना है? हमें बताना है कौन सी बात श्रद्धा में शामिल नहीं है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि विशेष गुण और शक्ति के कारण हम महत्व कर स्वीकार करते हैं और उसके बाद हमारे हृदय में होता है पूज्य बुद्धि का संचार। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि श्रद्धा कभी भी सुंदर रूप को देख करके प्रभावित नहीं होती, उत्पन्न नहीं होती। अगला प्रश्न,
किसी मनुष्य में जनसाधारण से विशेष गुण व शक्ति का विकास देख उसके संबंध में जो एक स्थायी आनंद पद्धति हृदय में स्थापित हो जाती है उसे क्या कहते हैं? कृतज्ञता, श्रद्धा, प्रेम या भक्ति? तो दोस्तों कई बार पढ़ चुके हम, बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। जब किसी मनुष्य में विशेष गुण और शक्ति का प्रसार हो और उसके संबंध में हमारे हृदय में स्थायी आनंद भाव हो और पूज्य बुद्धि का संचार हो तो वो भाव होता है श्रद्धा। यानी आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, शुक्ल जी के अनुसार श्रद्धा में दृष्टि सर्वप्रथम कहाँ केंद्रित होती है? श्रद्धेय के कर्मों पर, धर्म पर, विद्वता पर या रूप सौंदर्य पर? ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि श्रद्धा एक ऐसा भाव है जिसमें श्रद्धालु की जो दृष्टि होती है वो श्रद्धेय के व्यक्तित्व पर केंद्रित होती है, उसके कर्मों पर केंद्रित होती है और कर्मों से होती हुई उसके रूप और उसके जीवन क्रम पर जाती है। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला, शुक्ल जी ने प्रेम को स्वप्न और श्रद्धा को जागरण क्यों कहा है? विकल्प है, प्रेम में प्रेमी स्वप्न देखता है और श्रद्धा में श्रद्धालु रात्रि को जागता है। को कर लीजिए इसे दोस्तों। प्रेम में प्रेमी आंखें बंद कर संसार को भूलकर प्रिय का चिंतन करता है, जबकि श्रद्धा में श्रद्धालु आंखें खोलकर श्रद्धेय के गुणों का चिंतन करता है। प्रेम व्यक्तिगत भाव है, श्रद्धा सामाजिक भाव और उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, तो आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, शुक्ल जी के अनुसार प्रेम यदि एकमात्र अपने अनुभव पर निर्भर रहता है तो श्रद्धा अपने अतिरिक्त और किसके अनुभव पर निर्भर होती है? परिवेश पर, दूसरों के अनुभव पर, धर्माचरण पर या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, कभी कभी श्रद्धा अपने व्यक्तिगत अनुभवों के अलावा दूसरों के अनुभव सुनकर भी उत्पन्न होती है, ऐसा प्रेम में नहीं होता। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, साधन संपत्ति संबंधिनी श्रद्धा से शुक्ल जी का क्या अभिप्राय है? स्वतः प्राप्त रचनात्मकता से उत्पन्न श्रद्धा, परोपकारी स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा, भाषा पर अधिकार से उत्पन्न श्रद्धा, प्रयत्न पूर्वक अर्जित कौशल से उत्पन्न श्रद्धा? तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, साधन संपन्नता का शुक्ल जी का मतलब है कि जब हम प्रयत्न पूर्वक कोई कौशल अर्जित करते हैं, उसे प्राप्त करते हैं, तो उसके उस कौशल के कारण अगर किसी के मन में हमारे प्रति श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता है तो वो कहलाती है साधन संपत्ति संबंधिनी श्रद्धा। साधना में से अ की मात्रा हटा देंगे, साधन संपत्ति संबंधिनी श्रद्धा, तो आंसर हुआ डी। अगला प्रश्न, श्रद्धा और प्रेम में अंतर के विषय में असत्य कथन कौन सा है? श्रद्धा में किसी के महत्व की आनंदपूर्ण स्वीकृति होती है किंतु प्रेम में किसी व्यक्ति का अच्छा लगना महत्वपूर्ण है। श्रद्धा सामाजिक भाव है, प्रेम व्यक्तिगत भाव है। श्रद्धा में श्रद्धालु निरंतर श्रद्धेय के समीप रहना चाहता है, प्रेम में नहीं। प्रेम का कारण अज्ञात और अनिर्दिष्ट होता है जबकि श्रद्धा का कारण ज्ञात और निर्दिष्ट होता है। तो दोस्तों सी विकल्प यहाँ असत्य कथन है, श्रद्धा और प्रेम के अंतर में, क्योंकि श्रद्धा में श्रद्धालु श्रद्धेय के समीप नहीं रहना चाहता निरंतर, बल्कि भक्ति में भक्त अपने आराध्य के निरंतर समीप रहना चाहता है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि यही श्रद्धा और प्रेम के अंतर के विषय में असत्य कथन है। अगला प्रश्न, शुक्ल जी के अनुसार श्रद्धालु और भक्त में अंतर के विषय में असत्य कथन कौन सा है? किसमें अंतर के विषय में? श्रद्धालु और भक्त। ए विकल्प है, श्रद्धालु की दृष्टि श्रद्धेय के कर्मों पर होती है और भक्त भक्ति भाजन से घनिष्ठता स्थापित करना चाहता है। श्रद्धालु श्रद्धेय की कीर्ति के प्रसार से प्रसन्न होता है किंतु भक्त नहीं। श्रद्धालु श्रद्धेय के प्रति पूज्य भाव रखता है किंतु भक्त भाव के साथ साथ सामीप्य लाभ की लालसा भी रखता है। श्रद्धालु श्रद्धेय के महत्व को स्वीकार करता है पर भक्त महत्व की ओर अग्रसर होता है। तो ये सभी, ये कथन सही है, ये कथन सही है और ये कथन सही है। बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि श्रद्धालु श्रद्धेय की कीर्ति के प्रसार से प्रसन्न होता है किंतु भक्त नहीं, ये कथन बिल्कुल असत्य है। तो आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, शुक्ल जी ने अंतःकरण की सभी वृत्तियों को उपयोगी क्यों माना है? लोक कल्याण से संबंधित होने के कारण, समाज को जागृत करने के कारण, व्यक्तित्व को पूर्णता प्रदान करने के कारण या इनमें से कोई नहीं? तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि सभी वृत्तियों से चाहे वे अच्छी हैं या बुरी, मनुष्य का व्यक्तित्व पूर्ण बनता है, उसे पूर्णता प्राप्त होती है। यही कारण है कि
इन्होंने शुक्ल जी ने अंतःकरण की सभी वृत्तियों को उपयोगी माना है। तो आंसर हुआ इसका सी। अगला प्रश्न, शुक्ल जी के अनुसार भक्त भक्ति भाजन से क्या चाहता है, दाक्षिण्य, प्रेम, प्रशंसा या उपर्युक्त सभी? तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। भक्त अपने भक्ति भाजन से, भक्ति भाजन का अर्थ हुआ आराध्य से, जिसके प्रति भक्ति का भाव होता है उससे क्या चाहता है, दाक्षिण्य चाहता है। दाक्षिण्य का अर्थ क्या होता है, अनुकूलता, सकारात्मकता, उदारता। ये सारे जो भाव हैं वो मिलकर के दाक्षिण्य बनाते हैं, यानी भक्त हमेशा ये चाहता है कि उसके जो आराध्य है वे उसके अनुकूल रहे, उसके प्रति सकारात्मकता का भाव रखें, उसके प्रति उदारता का भाव रखें। यदि उसके व्यक्तित्व में कुछ कमियां भी हैं तो उन्हें नजरअंदाज कर वे उसे अपना भक्त स्वीकार करें। भक्त केवल अपने आराध्य से दाक्षिण्य ही चाहता है। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, शुक्ल जी के अनुसार लोक रक्षा का क्या मार्ग है, भिन्न वृत्तियों के बीच से निकलने वाला मार्ग, प्रेम का मार्ग, दान का मार्ग या कृतज्ञता का मार्ग? तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। भिन्न वृत्तियों के बीच से जो मार्ग निकलता है वही शुक्ल जी के अनुसार लोक रक्षा का सही मार्ग है। यही कारण है कि शुक्ल जी ने सभी वृत्तियों को समाज के लिए उपयोगी माना है। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला, शुक्ल जी ने किस प्रकार की श्रद्धा को सर्वश्रेष्ठ माना है? बहुत ही सरल कथन है, प्रश्न है। प्रतिभा संबंधिनी श्रद्धा, साधन संपत्ति संबंधिनी श्रद्धा, शील संबंधिनी श्रद्धा या सभी की श्रेष्ठता बराबर है? तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि शील संबंधिनी श्रद्धा को ही शुक्ल जी ने सबसे अधिक उच्च कोटि का माना है। क्यों? क्योंकि ये सदाचार और सद्गुणों पर आधारित होती है, और सदाचार और सद्गुण समाज के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए उन्होंने शील संबंधिनी श्रद्धा को सर्वश्रेष्ठ माना है। अगला प्रश्न, शुक्ल जी के अनुसार श्रद्धा किसकी पहली सीढ़ी है, कर्म की, आचरण की, आदर्श की या धर्म की? हम पढ़ चुके हैं दोस्तों, डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि श्रद्धा किसकी, धर्म की पहली सीढ़ी है। श्रद्धा के बाद व्यक्ति धर्म की सीढ़ी पर आता है और धर्म के बाद कर्म की सीढ़ी पर आता है। तो इसका उत्तर हुआ डी। आगे चलें, शुक्ल जी ने स्मृतियों के आधार पर किस दान को अधिक बड़ा बताया है, श्रद्धावश दिया गया दान, धर्म भावना से प्रेरित दान, प्रेमवश दिया गया दान या यश प्राप्ति हेतु दिया गया दान? तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। शुक्ल जी ने कहा है कि हमारे स्मृति ग्रंथों में श्रद्धा से भरकर जो दान दिया जाता है उसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, और श्रद्धा से भरकर दान हम सामर्थ्यवान को भी देते हैं और असामर्थ्यवान को भी देते हैं, ऐसा शुक्ल जी ने अपने श्रद्धा भक्ति निबंध में लिखा है। तो इसका सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, श्रद्धावश दिया गया दान क्यों महत्वपूर्ण है, दान के कारण, उपयोगिता के कारण, सदाचार के कारण या उपर्युक्त सभी? तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। शुक्ल जी ने श्रद्धावश दिए गए दान को इसलिए अच्छा माना है क्योंकि जब हम किसी के प्रति श्रद्धा भाव से भरकर दान देते हैं तो उस अच्छे भाव का प्रभाव हमारे समाज पर सकारात्मक रूप में पड़ता है, और यही कारण है कि समाज के विकास की दृष्टि से वो दान बहुत उपयोगी होता है। इसलिए उपयोगिता के कारण शुक्ल जी ने श्रद्धावश दिए गए दान को सर्वश्रेष्ठ माना है। तो आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, शुक्ल जी के अनुसार भक्ति किससे की जाती है, हृदय से, बुद्धि से, कर्म से या धर्म से? तो हम पढ़ चुके, ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, हृदय से भक्ति की जाती है। तो आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, भक्ति विधान में शुक्ल जी ने कितनी बातों का उल्लेख किया है, ए 10, बी 9, सी 8 या डी 7? तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इन जो 9 विधान किए हैं शुक्ल जी ने, ये वही है जो नवधा भक्ति के अंतर्गत आते हैं। नवधा भक्ति के अंतर्गत आने वाले 9 तत्वों को यहां माना है, 9 बातों को यहां शामिल किया है, और संक्षेप में मैं आपको बता देती हूं। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सुनना यानी ईश्वर के विषय में सुनना, उनका कीर्तन, बार बार कीर्तन करना, स्मरण, उन्हें याद करना, और उनकी सेवा का भाव रखना यानी आत्मसमर्पण करना, उसके बाद अर्चना, उनकी पूजा करना,
उसके बाद आता है वंदना करना उनकी, कभी ना भूलना, एक पल के लिए भी उन्हें अपने चित्त से दूर ना करना, ये वंदन आता है। इसके बाद दोस्तों आता है दास्य भाव, यानी अपने आप को लघु समझना अपने आराध्य की तुलना में। उसके बाद आता है सख्य भाव, उन्हें कभी कभी अपने आराध्य को अपने मित्र के रूप में देखना। और उसके बाद आता है आत्मनिवेदन, यानी अपने आप को पूरी तरह से अपने आराध्य के चरणों में समर्पित कर देना। तो ये 9 बिंदु हैं जो नवधा भक्ति के अंग माने गए हैं, और उन्हीं को भक्ति विधान के अंतर्गत शुक्ल जी ने स्थान दिया है। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, याचकता का भाव कब उत्पन्न होता है? श्रद्धा उत्पन्न होने पर, प्रेम उत्पन्न होने पर, श्रद्धा और प्रेम के संयोग पर, या श्रद्धा और कृतज्ञता के संयोग पर? तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। याचकता का भाव श्रद्धा और प्रेम के संयोग पर उत्पन्न होता है, ऐसा शुक्ल जी ने इस निबंध में बताया है। तो इसका सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, गुण प्रत्यक्ष नहीं होता, उसके आश्रय और परिणाम प्रत्यक्ष होते हैं, इस पंक्ति का अर्थ है। गुण दिखाई नहीं देते, अनुभव किए जाते हैं। गुण स्वयं अदृश्य होते हैं, किंतु वे मनुष्य के व्यक्तित्व और कर्मों में दृश्यमान होते हैं। गुण सार्वभौमिक सत्य है या उपर्युक्त सभी? तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि इस पंक्ति का अर्थ है कि गुण स्वयं अदृश्य होते हैं, दिखाई नहीं देते, किंतु जब मनुष्य उन गुणों के अनुरूप कर्म करता है तो उसके व्यक्तित्व और कर्मों में भी गुण दिखाई देने लगते हैं। तो आंसर हुआ बी। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला, भक्ति में विद्यमानता होती है भक्ति भाजन के सानिध्य की प्रवृत्ति, भक्ति भाजन के अनुकूल गति का प्रसार, भक्ति भाजन के प्रतिकूल गति का संकोच, या उपर्युक्त सभी? तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि भक्ति में भक्त हमेशा अपने आराध्य के निकट भी रहना चाहता है, उसके अनुकूल अपने व्यक्तित्व का प्रसार भी करना चाहता है, कांट छांट करता है, ये हम पढ़ चुके हैं, और जो भी प्रतिकूल गतियां हैं उनको सिकोड़ता है, समाप्त करने की कोशिश करता है, यानी तीनों बिंदु भक्ति में शामिल हैं। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, शुक्ल जी के अनुसार श्रद्धा के विषय में असत्य कथन है, श्रद्धा द्वारा हम समाज का मंगल साधन करते हैं, श्रद्धा में याचकता का भाव लेश मात्र भी नहीं होता, श्रद्धा प्रिय के प्रति होती है, श्रद्धा में सेवा भाव का संयोग होने पर भक्ति का उदय होता है। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि असत्य कथन है, श्रद्धा प्रिय के प्रति नहीं होती, प्रेम प्रिय के प्रति होता है। तो आंसर हुआ सी। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र। श्रद्धा और भक्ति निबंध को हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, महत्वपूर्ण पंक्तियों का विश्लेषण कर चुके हैं और उस पर आधारित प्रश्नों की भी विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये सत्र आपके लिए बहुत उपयोगी होगा और परीक्षा में आप इस निबंध से संबंधित सभी प्रश्न सही सही देकर आएंगे, उनके जवाब सही अंकित करेंगे। अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।